महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार हे विकास विरोधी आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी महत्त्वाचे असलेले सर्व विकास कामावर स्टे देणे किंवा ते कामे होऊ न देणे हेच काम ठाकरे सरकार करत आहे, अशी टीका भाजप नेते तथा आमदार राम कदम यांनी केली. बुलेट ट्रेन को जमीन देने के विषय को लेकर थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जहां पर शिवसेना की सत्ता है, उन्होंने बैठक में इसे नकार दिया. इसके पूर्व भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वे भी बीकेसी में जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन आना है वहां पर मेट्रो कार शेड बना रहे हैं, उन्होंने भी बुलेट ट्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है. जब बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में 90% ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, पर महाराष्ट्र में कछुए की तरह इसकी गति है, केवल मात्र 20% ज़मीन इसके लिए अब तक अधिग्रहित की गई है. यह प्रोजेक्ट कांग्रेस के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी थे तब शुरू हुआ, पर इसकी दौड़ कछुए की तरह थी. प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में इसे गति आई, पर दुर्भाग्य से ये शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार ये डेवलपमेंट विरोधी है. यह डेवलपमेंट के काम को विरोध करने का दुस्साहस कर रही है.